अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खुशबाश होंगे, सेहतमंद होंगे, आमीन इंशाल्लाह। अब जनाब पार्ट टू के साथ मैं हाजिर हूँ। कैनन हिल पार्क का पार्ट वन आप लोग देख चुके हैं और पार्ट टू का मैंने आपसे वादा किया था और आपके लिए पार्ट टू हाजिर है। पार्ट वन जो है वो हमारा खत्म हुआ था, एक बड़ी ही खूबसूरत स्टेनलेस स्टील की मेमोरियल बनी हुई थी और उसके ऊपर पार्ट वन मैंने खत्म किया था। तो आइए वहीं से, उसी जगह से हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू और आपको दिखाती हूँ कि वो क्या चीज थी और क्यों बनाई गई। कहाँ की किस चीज की मेमोरियल है ये देखिए। ये जी मेमोरियल है 2015 में जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था म्यूजियम में ट्यूनिशिया में। वहां पर तकरीबन कोई 31 ब्रिटिश नेशनल जो हैं दे वर किल्ड और उनकी याद में जो है इन्होंने ये बनाया हुआ है। ये देखें जी, ये एक जो है ना वेव आ रही है, जिस तरह से इसको बनाया गया है ये पानी की एक वेव आ रही है उस तरीके से बनाया गया। मैं इसको करीब से ले जाके आपको दिखाती हूँ और खूबसूरती देखिए और आसपास की जगह देखिए। ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, बस परिंदों की आवाज है। ये देखिए हल्की हल्की बारिश हो रही है और हवा की आवाज है, परिंदों की आवाज है बस, और बड़ी ही मिस्टीरियस ये जगह लग रही है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ साइड से कि इसको इस तरह का डिजाइन इसका बनाया गया है जैसे पानी की बड़ी सी लहर आ रही है। ये देखें जी, अब आपको ये सही नजर आएगा। अब मैं इसको करीब से दिखाती हूँ आपको। ये देखें जी, यहाँ भी इन्होंने यही लिखा हुआ है सारा। और सिर्फ ब्रिटिश नेशनल नहीं, यहाँ पर जनाब बेल्जियम के, कोलंबिया के, फ्रांस के, जर्मनी के, आयरलैंड के, इटली के, जापान के, पोलैंड के, पोर्टुगल के, रशिया के, स्पेन एंड ट्यूनिशिया सब जो हैं उसमें मर गए थे अटैक हुआ था जो 2015 में। तो ये जी इन्होंने मेमोरियल बनाई है, इतनी खूबसूरत जगह पे बनाई है। ये देखिए कितना पुराना दरख्त है ये, पता नहीं, और इसकी शाखें कैसे साइड्स पे लटक रही हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। इस तरह के बेशुमार यहाँ पे दरख्त हैं, बेइंतहा खूबसूरत भाई। अच्छा देखिए, ये देखिए ये बेंचेस, ये एक जैसे हम लोग ना बचपन का याद है हमें बुक्स में देखना, मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में, पाकिस्तान में जब हम होते थे ना तो तब हमें तब का याद है। इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती थी ये जगह, इतनी फैसिनेटिंग लगती थी, इतनी खूबसूरत। देखिए जो एक पगडंडी सी जा रही है और घने घने जंगल, बड़े बड़े पुराने दरख्त और ये लकड़ी के बेंचेस, इतनी खूबसूरत यादें हैं। तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह पे ही जाना नसीब होगा और वहीं पे रहना नसीब होगा, तो अब तो हमारे लिए। लेकिन अभी तक इतनी तकरीबन 20 साल गुजर जाने के बावजूद मुझे तो ये जगह और ये चीजें अभी तक बहुत ज्यादा फैसिनेट करती हैं। और अर्बन एरियाज जो हैं, सिटीज से हट के ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। कंट्री साइड मुझे पसंद है बहुत ज्यादा। और इसी तरह मैं आपको दिखाऊंगी, अभी तो मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छी प्यारी प्यारी खूबसूरत जगह दिखानी है यूके की सारी इंशाल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे किस्म किस्म के दरख्त लगे हैं जी यहाँ पर, हर किस्म के दरख्त हैं। ये देखिए कितना बड़ा दरख्त है। अच्छा ये देखिए गोल्फ कोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, और अभी बारिश हुई भी है ना तो यहाँ पर नहीं आ रहे लोग खेलने के लिए, टेनिस खेल रहे हैं कोई। बहुत प्यारा ये गोल्फ का कोर्ट बना हुआ है। ये देखें जी, ये आगे तक, बहुत आगे तक बना हुआ है। और ये इसके साथ ही टेनिस कोर्ट बना हुआ है और एक ही कपल है जो यहाँ पर टेनिस खेल रहा है अभी। यहाँ पर बहुत रश होता है, बहुत ज्यादा, लेकिन आज क्योंकि संडे है और संडे भी तकरीबन खत्म ही होने वाला है तो, और ऊपर से हल्की हल्की बारिश हो रही है, इस वजह से जो है यहाँ पर इतना ज्यादा रश नहीं है। ये देखिए जी,
ये देखें जी, इस साइड पे आई हूं मैं, एकदम से कैसे अजीब से देखें ये मुझे नजर आए दरख्त। ये एक पर्पल से फ्लावर्स की बेल है, बड़ी खूबसूरत सी। और ये दरख्त देखिए कैसे है, ओए होए होए होए, ये गिलहरी देख रहे भाई, गिलहरियां तो यहाँ पे ऐसे फिर रही हैं कि ये ब्रिटिश गिलहरियां भाई ब्रिटिश गिलहरियां हमसे ज्यादा मजे से फिर रही हैं, हमसे ज्यादा इनको यहाँ पे फैसिलिटीज हासिल हैं भाई मजे कर रही है कि कोई हाथ तो लगा के दिखाओ ये देखें मैं इधर अंदर जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ, देखें कैसे बने हुए हैं दरख्त, ये इतनी खूबसूरत। ये देखें वो गई गिलहरी, वो गई ये देखें जी, ये व्यू देखें आप, बिल्कुल ऐसा मैं आपको बताऊं, डेफिनेटली आप भी मेरी इस बात को एग्री करेंगे कि जैसे ना हम देखते थे कैलेंडर्स में ऐसी पिक्चर्स हुआ करती थी, अगर आपको याद हो। देखें कितना खूबसूरत, साफ सुथरा, किस्म किस्म के दरख्त, कितना प्यारा व्यू है, दिल खुश हो जाता है बंदे का, वो देखें। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा गार्डन है, क्यू गार्डन, वो इससे भी ज्यादा बड़ा है। तो उन लोगों ने जो है सीड्स जो है वो इनको डोनेट किए थे और इसको एस्टेब्लिश करने में इनको बहुत हेल्प किया था। और यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉटनी पढ़ने के लिए आते हैं, बॉटनी की स्टडीज के लिए आते हैं, यानी पौधों की, दरख्तों की स्टडी करने के लिए। देखें कितना ये बड़ा है दरख्त, इतना ऊंचा, और उसके नीचे देखें, अच्छा ये छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए। वो कहते हैं ना बड़े दरख्त के नीचे छोटा पौधा नहीं पनप सकता, तो वो बात बिल्कुल सच है। ये छोटे छोटे बेचारे हैं, उसने किसी को बदला ही नहीं दिया ये देखें जी बहुत खूबसूरत डार्क प्लेस है, ये देखें। अभी तो मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग हो गए हैं लेट बहुत ज्यादा, ये ना फरवरी से स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल के एंड तक ना ये फ्लावर्स के साथ भरा होता है, इतने खूबसूरत फूल होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी एक्चुअली हो गए हैं हम लोग लेट, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला जब सीजन आएगा पौधों का, फूलों का, फिर मैं आपको यहाँ पर लेकर आऊंगी। फिर इसके अलावा इससे भी बड़े बड़े और खूबसूरत गार्डन्स हैं यहाँ पर, पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, बड़े ही प्यारे, ऐसा प्यारा सजाते हैं इतना खूबसूरत फूलों के साथ। तो अब की दफा जब आएंगे ना, फ्लावर्स का मौसम आएगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी, आप देखिएगा, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। और फ्लावर्स के बगैर ही आप अंदाजा कर लें कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और बड़े बड़े दरख्तों के साथ ये कितना खूबसूरत लग रहा है, तो फिर जब फ्लावर्स भर जाते हैं इसमें तो फिर कितना प्यारा लगता होगा, आप खुद सोच लें। ये देखें जी, एक दरख्त तो यहाँ पर इन्होंने काटा हुआ है, वो लगता है बहुत ज्यादा फैल गया होगा, काट लिया है इन्होंने, ये देखें। और ये देखें कितना प्यारा दरख्त बना हुआ है, ये देखें, ओह अल्लाह, क्या मेरे रब की कुदरत है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए। एक ये भी है यहाँ पर, ये भी बहुत घना दरख्त है ऊपर तक, ये देखिए। ये देखिए जी, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, ये देखिए उफ कितने प्यारे ट्रीज है, ये देखिए, ये देखें अभी नए ताजा ताजा ये लगाए हैं इन्होंने, प्लांटिंग की है, ये देखें, ये देखें, ये पता है गिलहरियां क्यों आसपास फिर रही हैं, ये मांग रही हैं हमसे कि हम इन्हें कुछ खाने को देंगे। तो हमारा एक्चुअली यहाँ आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था, हमने तो जाना था मूवी देखने, हमने कहा चलो इधर भी एक थोड़ा नजर मार लेते हैं, वरना इस इनके लिए खाने को हम लाजमी लेकर आते डक्स के लिए और इनकी गिलहरियों के लिए। ये देखें जी आप, ये देखें कितना प्यारा ये बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। ये भी जीन की मेमोरियल बनी हुई है, यहां तो आपको जगह जगह मेमोरियल बनी हुई नजर आएंगी, जगह जगह। ये
ये देखें जी, ये ग्रेनाइट का और ब्रॉन्जे का बना हुआ मेमोरियल है और ये 1906 में बना था। और ये जो ब्रिटिश वॉर हुई थी साउथ अफ्रीका की और ब्रिटिश की, जिसको सेकेंड बोर वॉर कहा जाता है, उसमें जो लोग मर गए थे ना, उनकी याद में इसको बनाया गया है। इसको सन ऑफ बर्मिंगम भी कहा जाता है। ये देखें जी, बहुत खूबसूरत बनी हुई है। देखें इसकी रूट्स कहाँ कहाँ तक नीचे ये पहुंची होंगी। ये देखें जाहिद, ये कितना अरसा पुराना होगा, कुछ आइडिया है ना, कोई अंदाजा तो लगाई कितना पुराना होगा। लेकिन आइडिया नहीं है, ये 200 साल से पुराना था। ओए होए होए होए, पुराना था। वाह जी वाह। और ये देखिए ऊपर गिलहरी बैठी हुई है, उसको लगी हुई है सर्दी शदीद, मजे से बैठी है। बस जी देखें, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह गार्डन है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की बहुत प्यारी प्यारी जगह मैं आपको दिखाती रहूंगी। ये देखें जी, डॉग्स जो आपको यहाँ पे मिलेंगे प्यारे प्यारे, वो देखें, वो दौड़ है उसका, हाथ छुड़ा के उसने खेलना है। छोटा सा पपी है ये, और इसको जाना है, उसने खेलना है सबके साथ, और वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कि मुझे ये देखें इसको कहाँ जगह मिली। बस जी अब हम आ गए हैं पार्किंग में और अब हम जा रहे हैं। बहुत ऐसा फ्रेश हो गया ना जहन, इतना सुकून मिला है इतने दरख्तों के बीच में, ऊपर से मौसम बहुत से हसीन था। अब हम जा रहे हैं जनाब, और स्टेडियम में जाए, शोर तो बहुत मचा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। चलें देखते हैं। ये जी अब हम आ गए हैं आपको स्पेशल दिखाने के लिए, द वर्ल्ड फेमस एच बास्टन स्टेडियम। ये इसको जी काउंटी ग्राउंड भी कहा जाता है, और यहाँ पर टेस्ट मैचेस होते हैं, वनडे इंटरनेशनल होते हैं, T20 इंटरनेशनल भी यहाँ पर होते हैं। और ये स्टेडियम जी सबसे ज्यादा फाइनल्स होस्ट कर चुका है, किसी भी स्टेडियम से ज्यादा, और 25,000 बंदे की कैपेसिटी है जी यहाँ पर। और ये फोर्थ लार्जेस्ट स्टेडियम है ओल्ड ट्रैफर्ड और दी ओवल के बाद। और इंग्लैंड ने अपना यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता था 2019 में, और पाकिस्तान ने जी हमारे वतन ने यहाँ पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी 2017 में, और यहाँ पर 1885 से काउंटी क्रिकेट खेली जा रही है। और बस जनाब हम लोग घर वापसी के लिए निकल चुके, आपको बड़े मजे के पार्क की सैर कराई है, और अब लग गई है हमें भूख, और मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया है, बारिश तेज़ हो गई है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर रेस्टोरेंट ज़्यादातर जो हैं वो बंद हो गए हैं, स्पेशली मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट जितने भी हैं स्पेशली, वो सब बंद हो चुके हैं। तो अब हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी मिल जाए हमको खाने को, कुछ तो मिल जाए। और फाइनली ये हुआ कि एक जगह से जो है हमें अपनी मज़े की चीज़ पसंद की मिल गई, और हमने फिश ले ली, और ताज़े ताज़े नान ले लिए, फ्राइज ले लिए, और साथ मज़े के पिकल्स ले लिए ग्रीन चिलीज के, और घर लाकर हमने मज़े से उसको गर्म करके खाया। बहुत सख्त भूख लगी हुई थी, बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग, दोनों पार्ट जो हैं कैनन हिल पार्क के, वो बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत पसंद आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज कमेंट करना मत भूलिए, कोई एक आधा कमेंट कर दिया करें कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।